वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसीन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने पत्नी के अगेंस्ट आपको डाइवोर्स केस फाइल करना है, क्या ग्राउंड्स लेने हैं और कौन सा सही समय है डाइवोर्स केस फाइल करने का। मोस्टली ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि पति अपनी पत्नी के अगेंस्ट क्रुएलिटी के आधार पर डाइवोर्स केस फाइल करता है, लेकिन इस क्रुएलिटी को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपके साथ क्रुएलिटी हुई भी है, मान लेते हैं, तो उस क्रुएलिटी को प्रूव करने के लिए क्या आपके पास एविडेंसेस हैं कि आपने एविडेंस इकट्ठा किया था, घर के चार दीवारी के अंदर आपके साथ क्रुएलिटी हुई, इसको प्रूव कैसे करेंगे आप? क्या आपके पास कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है? क्या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जो ये प्रूव करता हो? कोई ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट है आपके पास जो ये प्रूव कर सके कि आपके साथ क्रुएलिटी हुई है? ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि घर के अंदर बेडरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा होता नहीं है। अगर आपके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई भी है तो फिर उस सिचुएशन में आप मेडिकल करवाते नहीं हैं। इस सिचुएशन में क्रुएलिटी को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल काम है। और जब क्रुएलिटी प्रूव ही नहीं कर सकते हैं या क्रुएलिटी के लिए कोई प्रॉपर और सॉलिड एविडेंस है ही नहीं, तो इस आधार पर डाइवोर्स केस फाइल करना बहुत ही गलत डिसीजन होता है हस्बैंड के लिए। और यहाँ पर वो खुद फंस जाता है क्योंकि जब हस्बैंड डाइवोर्स केस फाइल करने जाता है तो सबसे पहले उसको मेंटेनेंस देना होता है। एक मेंटेनेंस का लमसम अमाउंट कोर्ट तय करती है जो उसको पत्नी को देना होता है जब तक केस चलेगा। फिर यहाँ पर कभी ना कभी हस्बैंड के माइंड में जरूर आता है कि यार मैंने क्यों ही डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, इससे बेटर तो था कि ना ही करते तो ज़्यादा बेहतर था। अब इन सब का सलूशन क्या है? अगर पत्नी साथ में नहीं है, नहीं रहना चाह रही है, मनमुटाव इतना ज़्यादा है कि उसके साथ रह पाना मुश्किल है, तो अब कैसे डाइवोर्स लें, क्या सिचुएशन क्रिएट करें, कैसे ग्राउंड्स बनाएं, किन ग्राउंड्स पर हम डाइवोर्स लें, क्या राइट समय है डाइवोर्स केस फाइल करने का, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवर द सिचुएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि पहला क्या आधार होना चाहिए जब आपके दिमाग में आए कि आपको डाइवोर्स केस फाइल करना है। सबसे पहले खुद से ही ये क्वेश्चन करो कि क्या अब आप अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं। अगर जवाब आता है कि नहीं रह सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं, कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसके साथ रह पाना अब मेरे लिए मुश्किल है, तो ही यहाँ पर आप डाइवोर्स केस के लिए आगे बढ़ें और डाइवोर्स केस फाइल करने के बारे में सोचें। मतलब कि पहले सबसे पहले खुद से ही क्वेश्चन करना है कि क्या मुझे अब साथ में रहना है या नहीं रहना है। अगर 101% आपके अंदर से आंसर आता है कि साथ में अब रह पाना मुश्किल है, नहीं रहना है मुझे अपनी पत्नी के साथ, तो ही आपको जो है डाइवोर्स केस फाइल करना है। ये पहला ग्राउंड आपके पास जो होना चाहिए जो आप खुद को सेटिस्फाई करेंगे। कोर्ट को तो बाद में सेटिस्फाई करना है, पहले खुद को ही सेटिस्फाई करना है कि साथ में रहना है या नहीं रहना है। ये पहला ग्राउंड है आपका। अब आपको डाइवोर्स का ग्राउंड कैसे बनाना है जो बिल्कुल सॉलिड ग्राउंड होगा, जो आप कोर्ट में भी प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के बारे में, जो बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। आपको पता है कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है, आप भी साथ में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में आपको पहले इनिशिएट करना है सेक्शन 9 का केस। सेक्शन 9 का केस जिसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इसमें आप कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करते हो और कहते हो कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ और उसको डायरेक्शन दिया जाए कि वो भी साथ में आकर रहे। जब आप ये केस फाइल करते हो तब आपकी पत्नी के पास नोटिस जाता है सेक्शन 9 के केस का और फिर वो आकर अपना जवाब फाइल करती है। अगर वो कोर्ट में आती है तो उसको बताना पड़ेगा कि आखिर वो किस वजह से अलग रह रही है। अगर उसके पास कोई जेन्युइन ग्राउंड नहीं है अलग रहने का, तो यहाँ पर कोर्ट उसको डायरेक्शन देगी कि आप अपने पार्टनर के साथ जाकर रहिए। लेकिन आपको पता है कि आपकी पत्नी आपके पास आएगी नहीं और इस तरह से कोर्ट आपके फेवर में सेक्शन 9 का केस अलाउ कर देती है। और अगर केस आपके फेवर में पास हो चुका है और अभी भी वो आपके पास नहीं आकर रह रही है, तो आपको यहाँ पर वेट करना है एक साल तक का। एक साल तक का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है पत्नी के पास कि वो आकर आपके पास रहे। अगर वो आकर नहीं रह रही है और एक साल पूरा हो चुका है, तो एक साल के बाद आप इस ग्राउंड पर कोर्ट में डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट में जाकर अपने डाइवोर्स पिटीशन में ये ग्राउंड ले सकते हैं कि कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस आपके फेवर में फाइल किया था, पत्नी को बोला था साथ में रहने के लिए, लेकिन इसके बावजूद पत्नी एक साल हो गया है मेरे पास आकर नहीं रह रही है और इस आधार पर मुझको डाइवोर्स लेना है। ये एक सॉलिड ग्राउंड है जो कोई भी पति ले सकता है अगर सेक्शन 9 का केस उसके फेवर में पास हुआ है और पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है फिर भी,
तो इस आधार पर कोर्ट को डाइवोर्स ग्रांट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर फिर इस सिचुएशन में पति को ना ही पत्नी को कोई मेंटेनेंस देना पड़ेगा और डाइवोर्स भी निश्चित मिलेगा यहाँ पर। इस तरह से आप एक प्रॉपर और वैलिड ग्राउंड बनाकर अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये ग्राउंड समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने दूसरे ग्राउंड पर। दूसरा ग्राउंड आपको कैसे बनाना है इसको समझिए। अगर आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है और उसको अलग रहते हुए भी काफी लंबा टाइम हो चुका है, 2 साल से भी ज्यादा टाइम अगर हो चुका है, तो यहाँ पर आपको उसको एक लीगल नोटिस भेजना है सबसे पहले। और उसको उस लीगल नोटिस में ये बोलना है कि आपको 2 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है अलग रहते हुए, लेकिन अलग रहने का कोई जस्टिफाइड रीजन उसके पास नहीं है। उसको जो है उस लीगल नोटिस में ये भी बोलना है कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आकर मेरे साथ रहो। इसके बाद अगर पत्नी आपके पास नहीं आती है तो फिर आपके पास एक एविडेंस बनेगा कि 2 साल से वो आपसे अलग रह रही है, और इस आधार पर फिर आप जो है सेक्शन 13 में डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में फिर आप ग्राउंड लेंगे कि आपका जो पार्टनर है, जो आपकी पत्नी है, वो आपसे 2 साल से अलग रह रही है, जिसके आधार पर आपको डाइवोर्स चाहिए। ये बहुत ही सॉलिड ग्राउंड है जो आपके ही फेवर में होगा, और इस ग्राउंड के आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अपने तीसरे ग्राउंड के बारे में। अगर आपके पार्टनर का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, अगर वो किसी के साथ अडल्ट्री में रह रही है और आपके पास इसका पूरा प्रॉपर एविडेंस है, आपके पास अगर सपोज करो चैट्स हैं या आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं या आपके पास फोटोग्राफ्स हैं, तो आप इस आधार पर भी कोर्ट अप्रोच कर सकते हो सेक्शन 13 में ही, और इस आधार पर फिर आप डाइवोर्स ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एविडेंस भी है, चैट्स भी हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हैं, फोटोज़ भी हैं। अगर हैं तो आप जो है इस ग्राउंड पे आप कोर्ट अप्रोच करके उससे डाइवोर्स ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पर आपको डाइवोर्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और डाइवोर्स आपको मिलता है। ये था आपका तीसरा ग्राउंड। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चौथा ग्राउंड क्या है जिसके आधार पर आपको कोर्ट अप्रोच करना है डाइवोर्स लेने के लिए। आप यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अपने पार्टनर से ही, अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं कि हम दोनों मिलकर म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि साथ में रह पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर आपका पार्टनर आपकी पत्नी मान जाती है म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, तो फिर आप सेक्शन 13B में म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ पर म्यूचुअली डाइवोर्स ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आपको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता, कोई आपको एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको प्रूव भी नहीं करना होता है, तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स के माध्यम से प्रॉपर तरीके से डाइवोर्स ले सकते हैं अपने पार्टनर से। तो इस तरह से ये 4 ग्राउंड्स जो हमेशा पति के फेवर में होता है, इस आधार पर ही डाइवोर्स फाइल करना चाहिए। अदरवाइज आप किसी दूसरे ग्राउंड पर, किसी दूसरे आधार पर अगर जो है डाइवोर्स लेने जाते हैं, तो इस सिचुएशन में संभावना ये होती है कि पति ही टॉर्चर ज़्यादा होता है और पत्नी को फिर मेंटेनेंस भी देना पड़ता है, जो उसके लिए सही नहीं है। सो आई होप अब आपको ये बेसिकली 4 ग्राउंड्स समझ में आए होंगे जिनके आधार पर आपको डाइवोर्स केस फाइल करना है, और कब आपको डाइवोर्स केस फाइल करना है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।